भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आपको भी कंफ्यूजन है कि कौन सा ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो मैं आसानी से शुरू कर सकता हूं या कर सकती हूं? क्या आपको लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको चाहिए होगी मोटी रकम? मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे 0 से लेके 10 लाख के अंदर के इन्वेस्टमेंट में आप आसानी से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर लोग नौकरी के बजाय खुद का काम करना पसंद करते हैं। भारत में आजकल के यूथ में ये जज्बा होता है कि हमें खुद का कुछ करना है। वो नौकरी से ज़्यादा बिजनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं और आजकल ऐसे कई स्टूडेंट्स भी हैं जो सोचते हैं कि हमें अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, खुद के एक्सपेंसेस के लिए भी अपने घर वालों से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े और हम खुद ही होम बेस्ड बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि कौन सा ऐसा होम बेस्ड बिजनेस है जो कम से कम निवेश में आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ एक ऐसे ही शानदार वीडियो में जहाँ मैं आपको दूंगी टॉप 10 बिजनेस आइडियाज जो आप 10 लाख के अंदर के इन्वेस्टमेंट में इजिली शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जानते हैं कौन सा ऐसा टॉप 10 बिजनेस आइडियाज हैं जो आप आसानी से शुरू कर सकते हैं विथ लो इन्वेस्टमेंट। तो पहला है ब्रेकफास्ट सेंटर। दोस्तों, लाइफ के 3 बेसिक नेसेसिटीज में एक होता है खाना पीना। हम भारतीयों को कुछ पसंद आए ना आए, लेकिन हमें खाना खाना तो ज़रूर ही पसंद आता है। तो चाहे आप नॉर्थ इंडिया में कोई भी साउथ इंडियन डिशेज का स्टॉल या सेंटर खोलें या फिर साउथ इंडियन स्टेट्स में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का जो डिशेस है वो खोलें, कहीं भी आप ब्रेकफास्ट सेंटर शुरू करते हैं ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ही होगा। इसीलिए छोटे पैमाने पर बिजनेस शुरू करने के लिए ब्रेकफास्ट सेंटर शुरू करना एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। इस बिजनेस में जब तक अच्छा भोजन परोसा जाएगा तब तक आपके पास ग्राहकों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। बेशक एक स्टार्टअप होने के नाते आपके पास बहुत से फूड ऑप्शंस या फिर बड़े बड़े मेन्यू लिस्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर में रहते हैं और आपको अपना एक ब्रेकफास्ट सेंटर शुरू करना है तो आप इडली वड़ा, इडली डोसा का भी सेंटर खोल सकते हैं जो बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगला है कुकरी क्लासेस। तो क्या आपको खाना बनाना बहुत पसंद है? अगर खाना बनाना आपका एक पैशन है तो ये पैशन आप अपने प्रोफेशन में बदल सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल कुक हैं और अगर आपको एक फूड ट्रक या फिर एक बड़ा रेस्टोरेंट शुरू नहीं भी करना है तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि है आप खुद का एक कुकरी क्लासेस लेना शुरू कर दें। आप अपने इलाके के आसपास के लोगों को इकट्ठा कर आप उन्हें समझा सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि कैसे आप कुकरी क्लासेस ले रहे हैं, कौन से डिशेस हैं, नए डिशेस हैं, यूनिक डिशेस हैं जो आप उन्हें सिखाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं मैं अगर बैंगलोर में रहती हूँ, मुझे अपना कुकरी क्लासेस शुरू करना है तो मैं अपने इलाके में, अपने लोकेशन में आसपास के लोगों को इकट्ठा करूँगी और मैं बताऊँगी कि कौन कौन से यूनिक आइटम्स हैं जो मैं उन्हें सिखाऊँगी। फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर में इडली डोसा, इडली वड़ा बनाना बहुत ही आसान है और लगभग सारे ही घरों में बनता है। तो कुकरी क्लासेस में जो आपका यूनिक स्किल है, यूनिक कुकिंग स्किल है, जो आप यूनिक आइटम्स अपने लिस्ट में डालते हैं उससे आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल सकता है। अगर मैं बैंगलोर में रहती हूँ, अगर मैं कुकरी क्लासेस शुरू करती हूँ तो मैं उनको बताना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स को कि कैसे आप नॉर्थ इंडियन डिशेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बना सकते हैं वड़ा पाव, आप बना सकते हैं छोले भटूरे, आप कैसे बना सकते हैं गुजरात के ढोकले। तो ऐसे अगर यूनिक आइटम्स हैं आपके लिस्ट में तो ज़रूर आपके पास बहुत से ग्राहक आएंगे सीखने के लिए और इससे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। अच्छी बात तो ये भी है कि इस बिज़नेस को कोई भी आसानी से शुरू कर सकता है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें जो लागत है वो भी बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है। तो आप अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करें और ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दें। यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ले भी रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसी क्लास को आप ऑनलाइन रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप अगर ये सेम वीडियोस अपने YouTube चैनल खोलकर अपलोड करते हैं तो वहाँ से भी आप अच्छी रकम कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है डे केयर सेंटर्स। आज भारत वो देश ना रहा जहाँ महिलाएँ सिर्फ घर पर रहकर घर का काम करती हों। आज बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो वर्किंग वुमेन बन गई हैं, लेकिन हमारे देश में वर्किंग मदर्स को अपने बच्चों को ऑफिस ले जाने की सुविधा आज तक नहीं दी गई है। इसलिए बहुत सी ऐसी वुमेन हैं जो शादी के बाद नौकरी करने में उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप एक अच्छा डे केयर सेंटर शुरू करते हैं तो आप ऐसे कई महिलाओं की मदद करेंगे। मैं आपको बता दूं कि डे केयर सेंटर की मांग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आसानी से बच्चों से घुल मिल जाएं
और आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जो बच्चों के लिए अनुकूल और सुरक्षित हो, ताकि उनके माता पिता बिना किसी चिंता के अपने बच्चों को आपके डे केयर सेंटर में पूरे दिन के लिए छोड़कर जा सके। अगला बिजनेस आइडिया है डांस सेंटर। अगर आप बचपन से ही डांस करना जानते हो, अगर बचपन से ही आपको डांस करना एक हॉबी है, तो आप अपने इस हॉबी को आसानी से बिजनेस में बदल सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। यदि आप एक अच्छे डांसर हैं या फिर एक कोरियोग्राफर हैं, तो आप आसानी से एक जगह रेंट पर लेकर वहाँ अपना खुद का डांस सेंटर या डांस एकेडमी शुरू कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप जो निवेश करेंगे वो केवल आपके डांस सेंटर के प्रचार और प्रसार के लिए होगा, ना कि किसी और के लिए। और अगर आप एक अच्छे डांसर नहीं भी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप डांस टीचर्स को हायर कर एक अपना डांस एकेडमी शुरू कर सकते हैं। अगला अमेजिंग बिजनेस आइडिया है फोटोग्राफी। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने भारतीय युवाओं में फोटोग्राफी के प्रति प्यार बढ़ा दिया है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने फोटोग्राफी स्किल्स की वजह से अच्छा खासा कमा रहे हैं। कम निवेश की आवश्यकता, अच्छी मांग, यात्रा के अवसर और अच्छी सैलरी। फोटोग्राफी वाकई में एक अच्छा खासा बिजनेस आइडिया है जो आप कम से कम निवेश में शुरू कर सकते हैं। आज आप कई तरह के फोटोग्राफी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप शुरू कर सकते हैं कमर्शियल फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, जिसकी मांग भारत में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वेडिंग्स तो आए दिन हर सीजन में होती रहती हैं, तो इसी वजह से फोटोग्राफर्स की ज़रूरत भी ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा आप पेट फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, आप एक फोटो जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। तो अगर फोटोग्राफी आपका पैशन है, तो आप बहुत से ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं और आसानी से 60,000 से लेकर 8 लाख तक आसानी से कमा सकते हैं। तो अगला बिजनेस आइडिया है योगा इंस्ट्रक्टर। आजकल के भाग दौड़ भारी दुनिया में लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक हो चुके हैं। आज योग ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रियता हासिल की है। भारत में अपना खुद का योग व्यवसाय शुरू करना एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और शुरू करने के लिए अच्छा बिजनेस आइडिया है। ये एक कम निवेश और अच्छा लाभ देने वाला होम बेस्ड बिजनेस है। अगला बिजनेस आइडिया मेरे लिस्ट में है होम स्टे बिजनेस। अब होम स्टे बिजनेस क्या होता है? बेसिकली अगर आपके पास एक दो फ्लोर का घर है, आपका खुद का घर है, आपके पास एक दो रूम्स खाली हैं, आपके पास स्पेयर रूम्स हैं, तो उससे आप आसानी से होम स्टे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खास करके COVID-19 पैंडेमिक के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेकेशंस और वेकेशंस जैसी जगह ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपका घर एक सीनरिक जगह पर है, जैसे कि आप केरला में रहते हैं या फिर राजस्थान में रहते हैं या फिर कश्मीर में रहते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, तो आप होम बेस्ड बिजनेस बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे जो निवेश आप करेंगे वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि आपके पास जो एक्स्ट्रा रूम्स हैं, स्पेयर रूम है, उसे ही आप अच्छे से डेकोरेट करके ये बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो अगला बिजनेस आइडिया है सैलून बिजनेस। जी हाँ, सैलून बिजनेस आजकल का ट्रेंडिंग बिजनेस है। इसमें जो आप कमाएंगे वो बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि आजकल सबको अच्छा दिखना, खास करके सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंस है, उसके बाद तो सबको अच्छा दिखना, एक सेलिब्रिटी जैसा दिखना अच्छा लगता है। तो इसीलिए सैलून बिजनेस एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। तो अगर आपको दूसरों को सजाना अच्छा लगता है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी सैलून का एक्सपीरियंस है, तो आसानी से आप खुद का सैलून शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस बिजनेस में ये है कि ना केवल महिलाएं, बल्कि आजकल बहुत से पुरुष भी सैलून जाते हैं, जिसकी वजह से इस बिजनेस में आपकी जो इनकम है वो भी ज्यादा होती है। अगला बिजनेस आइडिया है ट्रैवल एजेंसी का। जी हाँ, आप आसानी से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्रैवल करना किसे पसंद नहीं है। खासकर COVID-19 पैंडेमिक के बाद बहुत से लोग ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, नए नए जगह जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन था, जिसके वजह से बहुत से लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, और ट्रैवल करना बहुत से लोगों का एक डेली लाइफस्टाइल बन चुका है। तो इसीलिए ट्रैवल एजेंसी बिजनेस शुरू करना भी एक लाभदायक बिजनेस आइडिया है। मेरे लिस्ट में लास्ट बिजनेस आइडिया है होममेड चॉकलेट बिजनेस। जी हाँ, चॉकलेट खाना किसे पसंद नहीं है आजकल, चाहे आप बहुत जवान हो या चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, सबको चॉकलेट खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। चॉकलेट खाने से हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलती है, चाहे आप उदास हैं, चाहे आप खुश हैं, चाहे आप बहुत एक्साइटेड हैं, चाहे आप जिस भी मूड में हैं, चॉकलेट हर समय हर टाइम कोई भी खा सकता है। तो अगर आप यही खुशी सब में बांटना चाहते हैं, तो आप खुद का एक होममेड चॉकलेट बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं।
अच्छी बात ये है कि इसमें जो निवेश है कम से कम 5,000 के अंदर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए निवेश तो बहुत कम है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो डिमांड है, चॉकलेट्स की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, और ना केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है। और स्पेशली जो पर्सनलाइज चॉकलेट जो बिकती है मार्केट में, उसका जो प्राइसिंग है वो हाई होता है, जिसकी वजह से आपकी इनकम भी हाई होगी और डिमांड तो डेफिनेटली हाई होता ही है। तो अगर आप कम निवेश में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा है। हर बिजनेस में अपने नुकसान और फायदे होते हैं। व्यापार की सफलता आपके जुनून, समर्पण और धैर्य पर निर्भर करती है। लक्ष्य प्राप्त करने में आपका टैलेंट भी बहुत मायने रखता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉप 10 बिजनेस आइडियाज जरूर पसंद आए होंगे, और जो इसमें जो बिजनेस आइडियाज मैंने दिए हैं कुछ उसमें खास करके थोड़े थोड़े निवेश ज्यादा हैं। अगर आपके पास 1,00,000 की रकम नहीं भी है तो चिंता ना करें, क्योंकि आपके पास बहुत से ऐसे लोन ऑप्शंस हैं, जैसे कि आजकल भारत सरकार मुद्रा लोन भी दे रही है अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आपके पास बिजनेस लोन्स ऑप्शंस भी हैं, स्टैंडअप इंडिया ऑप्शन भी है, ऐसे बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं भारत सरकार की तरफ से जो आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को, जो आप जैसे बिजनेस वुमेन को दिया जा रहा है, ताकि आप सब प्रोत्साहित हों और आप सब एक एंटरप्रेन्योर बने। अगर आपको इन डिटेल जानना है कि मुद्रा लोन आप कैसे ले सकते हैं, स्टैंडअप इंडिया स्कीम को में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं और सब्सिडीज कैसे पा सकते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे आप शुरू से लेकर अंत तक कैसे पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। एक एक स्कीम के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि ये स्कीम होता क्या है, कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो, हम आपको ये भी जानकारी देंगे अपने फ्रीडम ऐप पर कि कौन कौन से ऐसे भारत सरकार की स्कीमें हैं जो विभिन्न एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करती है। तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जानकारी लें सारे बिजनेस आइडियाज के बारे में। और साथ ही अगर आपको फार्मिंग में इंटरेस्ट है, खेती में इंटरेस्ट है, तो आपको ऐसे बहुत से खेती के आइडियाज भी मिलते हैं जो आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, आपको अगर इन्वेस्टमेंट भी शुरू करना है कहीं, क्योंकि इन्वेस्ट करके ही आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लेनी है तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और फार्मिंग के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, और ये सब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर। तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको बहुत अमेजिंग बिजनेस आइडियाज दे सकें। और अगर आपको बिजनेस आइडियाज और भी बिजनेस आइडियाज चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।